निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने सरेंडर किया ईडी कोर्ट में। पूजा सिंघल ने सरेंडर किया। मनरेगा घोटाला मामले में आरोपी है पूजा सिंघल। अंतरिम जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आईएएस पूजा सिंघल ने आज ईडी की स्पेशल कोर्ट के सामने सरेंडर किया है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 2 महीने की अंतरिम जमानत दी गई थी। अब उस जमानत की अवधि आज खत्म हो गई है, जिसके बाद उन्होंने आज सरेंडर कर दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर सुनवाई जारी है। कल इस मामले में सुनवाई होनी है। बीते सोमवार को पूजा सिंघल समेत 3 के खिलाफ ईडी कोर्ट ने आरोप गठित किया था और इस आरोप गठन के दौरान पूजा सिंघल कोर्ट में मौजूद थी। मनरेगा घोटाला मामले को लेकर ईडी ने पूजा सिंघल समेत अन्य पर कार्रवाई कर साल 2008-09 और तमाम ये मामले सामने आए और उसके बाद एक बार लगातार ये कहा जा रहा है कि पूजा सिंघल की जो मुश्किलें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कुमार चंदन हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए। चंदन, क्या कुछ है जानकारी? पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मनरेगा घोटाला और तमाम मामले जो है उसमें वे घिरती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। देखिए, बिल्कुल, पूजा सिंघल कंडीशनल बेल पर थी 2 महीने के और उनके कंडीशनल जमानत या बेल की अवधि पूरी हो गई थी, इसलिए आज उन्होंने सरेंडर किया और उन्हें जेल भेज दिया गया है। 6 मई 2022 को जो ईडी की कार्रवाई शुरू हुई थी उसी मामले में पूजा सिंघल ईडी की हिरासत में थी और अपने बेटी के बीमारी का हवाला देते हुए उन्होंने बेल के लिए अर्जी दाखिल की थी और 2 महीने का कंडीशनल बेल मिला था। अब वो एक बार फिर से जेल में है और जेल चली गई हैं वो, और इस दौरान अब ये देखना होगा कि चूंकि उनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए मामला दायर किया गया है, उन्हें वहां से राहत मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन फिलहाल तो कहा जा सकता है कि उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई है, बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि एक बार फिर से उन्हें जेल जाना पड़ा है। बिल्कुल चंदन, पूजा सिंघल के साथ उनके जो सहयोगी है उनकी भी मुश्किलें कहीं ना कहीं है, तो उस मामले में क्या कुछ है अपडेट? देखिए, पूजा सिंघल के सहयोगी जो थे या फिर कहें उनके जो सीए थे, बाकी सभी लोग जब से ईडी की कार्रवाई हुई है उसके बाद से ईडी की गिरफ्त में है। रांची के बिरसा मुंडा होटपार जेल में है और सभी लोगों के खिलाफ ईडी अपने तरीके से साक्ष्य और सबूत जुटाने में लगी हुई है और वो कार्रवाई ईडी की तरफ से जारी है। दूसरी तरफ पूजा सिंघल पर राज्य सरकार ने भी कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में भी आगे जाँच की दिशा चल रही है। बिल्कुल चंदन, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पूजा सिंघल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और लगातार पूजा सिंघल मुश्किलों में घिरी हुई नजर आ रही हैं। अब ये मामला जो है वो आपको समझाते हैं। दरअसल खूंटी जिले में मनरेगा में हुए घोटाले का ये मामला है, जो कि 2008 और 2009 के साथ साथ 2009 और 2010 में ये घोटाला हुआ। ये आरोप सामने आया और उसके बाद 2009 से 2010 तक खूंटी की डीसी जो है पूजा सिंघल रही थी। 2022 में पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी हुई। पूजा सिंघल के 20 अधिक ठिकानों पर छापेमारी हुई। छापेमारी में बरामद किए गए थे करीब 19 करोड़ 31 लाख रुपए। 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को अरेस्ट किया गया।